हाइड्रोफिली का मिली मतलब क्या होता है जब वाटर के थ्रू पॉलीनेशन होता है तो उसको मिली हाइड्रोफिली बोला जाता है ओके जैसे कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया एक है इपी हाइड्रोफिली एंड द अदर वन इज हाइपोहाइड्रोफिली अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है सबसे पहले है, मैं आपको इपी हाइड्रोफिली की बात करूँ तो जब पॉलिनेशन वाटर के थ्रू ही हो दोनों में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू ही होता है बट जब हम इपी हाइड्रोफिली की बात करते हैं तो जो पॉलिनेशन होता है वो सरफेस ऑफ वाटर पे होता है मतलब वाटर यहाँ है तो पॉलिनेशन यहाँ होगा मतलब सरफेस ऑफ वाटर के और जब हाइपोहाइड्रोफिलिक की बात करते हैं मतलब जो पॉलिनेशन होगा वो इनसाइड द वाटर होगा मतलब सरफेस पे नहीं वाटर के अंदर जब पॉलिनेशन होता है तो उसको मेनली हाइपोहाइड्रोफिली बोला जाता है अब मेन हमें इस दिक्कत होते हैं इसके एग्जाम्पल्स याद करने में तो उसके अगर मैं आपको ट्रिक्स की बात करूँ तो बहुत ही ईजी है अगर मैं इपी हाइड्रोफिली की एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो इसमें आपको ट्रिक याद रखना है वी आर ओके एंड हाइपोहाइड्रोफिली uh, की अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो आपको याद रखना है सर न जाओ ओके okay, सर न जाओ हाइड्रिला की तरह पानी में डूब कर पानी में डूब कर ओके okay? ट्रिक so, अब देखो इसमें क्या है वी जो है वो मेरी रिप्रेजेंट कर रहा है वैलिस को वैलिस नेरिया ओके okay? वी रिप्रेजेंट करता है वैली स्नेरिया को वैलिस नेरिया को एंड जो आर है वो मेरी रिप्रेजेंट कर रहा है रूपिया को ओके okay? ये जो वैलिस नेरिया दैट इज अकॉर्डिंग टू एन सी आर टी एंड रूपिया इज नॉट इन एन सी आर टी सो आपकी मर्जी आप सिर्फ एनसीआरटी के एग्जाम्पल्स याद करना चाहो तो अब यहां पर अगर मैं हाइपोहाइड्रोफिलिक के एग्जाम्पल्स की बात करूं तो सर जो है वो मिली रिप्रेजेंट कर रहा है सी रेटो फाइलम ओके ना जो है वो मिली रिप्रेजेंट करता है ना जाज ओके जाओ जो है वो मिली रिप्रेजेंट करता है जूस चेरा ओके एंड हाइड्रीला तो आपको पता ही है हाइड्रीला को रिप्रेजेंट कर रहा है अच्छा वो याद कैसे रहेगा यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा बोला सर ना जाओ हाइड्रीला की तरह पानी में डूब कर ये बोला मैंने आपको तो पानी में डूब कर मतलब होता है कि जो हाइपोहाइड्रोफिली होता है वो पानी में डूबकर ये जो एग्जांपल्स है वो वैसे वाले के एग्जांपल्स है जिसमें जो पॉलिनेशन होता है पानी में डूब कर होता है मतलब इनसाइड द वाटर होता है ओके okay? तो आपको इस तरह से याद रहेगा क्योंकि मैंने इसकी जो ट्रिक्स है उसी में मतलब डाल दिया पानी में डूब तो आपको Uh, याद हो जाएगा कि हाँ ये इसके एग्जाम्पल्स हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा सो so, और इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जो जूस टेरा है इसको मेनली मेराइन सी ग्रासेस भी बोलते हैं जूस टेरा को बोला जाता है मेराइन सी ग्रासेस ये एन में दिया हुआ है एंड ये जो जूस चेहरा वाला एग्जाम्पल है एंड हाइड्रीला वाला एग्जाम्पल है दैट इज मिली अकॉर्डिंग टू एन ओके अब ये तो हो गया हाइड्रोफिली दैट इज जो पॉलीनेशन होता है थ्रू द वाटर बट यहाँ पे कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें पॉलीनेशन जो होता है इंसेक्ट्स के थ्रू होता है जब इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसको हम मिली क्या बोलते हैं एंटीमोफिली तो जब इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसको एंटीमोफिली बोला जाता है ओके okay? अब देखो इसमें क्या आपको याद रखना है कि आ, आ, इसमें एक है आइकॉर्निया वाटर हाइसंथ जिसको बोला जाता है निम्फिया जिसको वाटर लिली बोलते हैं दिस इज द एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू एनसीआर टी एंड इसमें एनसीआर टी में मैंशन है डैट ये हाइड्रोफाइट्स होते हैं दैट इज होते तो ये पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं बट इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो थ्रू इंसेक्ट्स होता है तो हमें याद नहीं रहता है इससे हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जा जाते हैं तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा तो इसके ट्रिक्स मैंने बनाए हैं देखो एक नीली निम्फो आली ओके इंसेक्ट लेकर इसमें आपको याद रखना एक जो है वो आइकोनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है निम्फो जो है निम्फिया दैट इज वाटर लिली को कर रहा है, ओके okay? अब इसी में मैंने डाल दिया इंसेक्ट लेकर मतलब जो आइकॉनिया निम्फिया है ये होते तो हाइड्रोफाइट्स है, है, है बट इनका जो पॉलिनेशन होता है वो थ्री थ्रू इंसेक्ट्स होता है क्योंकि इंसेक्ट लेकर मतलब इंसेक्ट के थ्रू इनका पॉलिनेशन होता है बट ये होते हैं हाइड्रोफाइट्स है तो ये आपको इजिली याद हो जाएंगे सो थैंक यू सो मच एंड मैं इसी से रिलेटेड और कोई ट्रिक्स भी आपको बताऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो सो स्टे टू इन फॉर दैट एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड Let me know in the comment comments how you like my videos and uh, thank you so much.